तो कभी भी आपसे कोई भी सवाल पूछे या आपके बिजनेस में कोई भी ऑब्जेक्शन आए, सबसे पहली बात, कोई आपसे किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन करे, हीरो फार्मूला, 32 बाहर निकालो और मुस्कुराओ। कोई कुछ भी बोले, मेरे पास समय नहीं है, बोले मेरे पास पैसा नहीं है, क्या करना है आपको, मुस्कुरा के दिखाइए सबसे पहले। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप मुस्कुरा रहे हैं, कोई सवाल पूछता है आपको क्या करना है, मुस्कुरा देना है। मुस्कुरा दिए ना तो आधा काम तो आपका वही हो गया, क्योंकि सामने वाला ऑब्जेक्शन करता है ये सोच के कि मैं तो जीत गया, मैं इसको भगा दूंगा, लेकिन आप जैसे मुस्कुराए वो समझ गया बेटा हम तो फंस गए। समझ में आ रहा है? तो इसलिए पहला फार्मूला क्या है, मुस्कुराना, और सबसे पॉइंट नंबर वन, सामने वाले के हाँ में हाँ मिलाना है। वो जो भी ऑब्जेक्शन करे, उसकी जो भी समस्या हो, आपको विरोध नहीं करना कभी भी, क्योंकि अगर आपने विरोध कर दिया तो कभी भी बड़ा काम नहीं हो पाएगा। आपको क्या करना है, उसके हाँ में हाँ मिलाना है। क्या करना है, उसके हाँ में हाँ मिलाना है। कुछ भी बोले, कुछ भी बोले, वो ABCD कुछ भी बोले, आपको क्या करना है, हाँ में हाँ मिलाना है। वो बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, क्या करना है, मुस्कुरा के, बिल्कुल सही बात है सर। वो बोल रहा है ये दो जोड़ने का काम मैं नहीं कर सकता, मुस्कुराना है, जी बिल्कुल सही बात है सर। समझ में आ रहा है? कभी गलती से भी विरोध मत करना। वो बोलता है पैसे नहीं है, झूठ, पैसे तो है। अगर आपने विरोध कर दिया तो आपका जो प्रश्न है ना, वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। इसलिए पहला फार्मूला नंबर वन, हमें क्या करना है, उसके सामने वाले के हाँ में हाँ मिलाना है। दूसरा, अब उसका क्वेश्चन घुमा के उसी से पूछना हो। वो जो भी सवाल करता है, बोलता है जी प्रोडक्ट आपके बहुत महंगे हैं, तो आपको मुस्कुराना है, हाँ जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं सर, क्योंकि पहली बार हमने देखा था तो हमें भी ऐसे ही लगा था यार प्रोडक्ट तो हमारे बड़े महंगे हैं, लेकिन सर मेरा एक सवाल है आपसे कि इस दुनिया के अंदर कोई भी प्रोडक्ट सस्ता या महंगा कब होता है सर, बताइए थोड़ा। हमने क्या किया, उसका सवाल घुमाया और उसी से जाके पूछा। टिप्स नंबर 3, उसका सवाल घुमाना है और उसी से जाके पूछना है। फिर अगला क्या है, अब उसको लॉजिकली जवाब देना है, थेथोलॉजिकली नहीं। क्या करना है, उसको लॉजिकली जवाब देना है। यस या नो? अब कुछ लोग उल्टे पुल्टे जवाब देते हैं। अब बोला प्रोडक्ट आपके महंगा है, बोले घर में बीबी है, बोला हाँ जी तो भाग गई, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है ना। तो कुछ लोग थेथोलॉजी में जवाब देते हैं, थेथोलॉजी का जवाब कभी सेटिस्फेक्शन नहीं लाएगा, याद रखना। आपको लॉजिकली जवाब देना है, एक्चुअल क्यों प्रोडक्ट महंगे हैं इसका रीजन आपको समझाना है। उसके बाद कैलकुलेटिवली जवाब देना है, आपको विथ कैलकुलेशन उसको समझाना है कि हमारे प्रोडक्ट महंगे क्यों नहीं है। औरों के कंपैरिजन अगर हम देखें तो रिजल्ट के साथ कंपेयर करके देखेंगे तो हमारे प्रोडक्ट कैसे सस्ते हो जाते हैं। उसके बाद इमोशनल जवाब देना है, लास्ट में इमोशनल टच जरूर देना है। अगर सेल्स के इंडस्ट्री में आपको टॉप लेवल पे जाना है मेरे दोस्त, तो याद रखना लोगों की इमोशन के साथ कनेक्ट करना सीखो। आज जितने भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं, वो सारे एडवर्टाइजमेंट देखिए, हर जगह आपको इमोशन दिखाई देगा, हर जगह। लोग नहीं बोलते बॉर्नविटा खाने का फ़ायदा क्या है, लोग क्या बोलते हैं, बच्चों की ग्रोथ चाहिए, मम्मी अच्छी वो जो बच्चों को खिलाए बॉर्नविटा, बोलते नहीं बोलते हैं। बीवी से मोहब्बत वो करे जो पहनाए तनिष्क का ज्वेलरी, उससे पहले वाले लोग तो मोहब्बत करते ही नहीं थे तनिष्क जब नहीं था तो। देखा है नहीं देखा है? हर एड में आज के डेट में क्या दिखाई देता है आपको, इमोशन। हर जगह आपको इमोशन दिखाई देगा, हर जगह। पेप्सोडेंट में भी इमोशन दिखाई, ओई माँ दांतों की दर्द, पेप्सोडेंट नहीं किया क्या, हर जगह इमोशन दिखाई देता है। हर एक प्रोडक्ट आज के डेट में मार्केट में अगर सेल हो रहे हैं तो आप देखेंगे कि हर उस प्रोडक्ट के साथ इमोशन। एक सैमसंग का ऐड आता है, वो देखा है, एक अंधा बच्चा होता है तो अंधे बच्चे को टीवी देखना होता है इंडियन आइडल पे, उसका एक दोस्त होता है तो सैमसंग टीवी रिपेयर वाले जाते हैं, वो सामने देखते हैं कि कहीं पे जमीन गिर गया, बोला सर कितने देर में आ रहे हो, बोला बस पहुंच रहे हैं। वो बड़ी मुश्किल पार करके वहां पहुंचता है, जब वहां पहुंचता है देखता है कि वहां जितने भी बच्चे थे सारे अंधे थे, तो इमोशनल हो जाता है, वो टीवी ऑन कर देता है, फिर वो गाना बजता है सैमसंग, जहां कोई ना पहुंचे वहां पहुंचे हम। क्या कर रहे हैं वो, एक्चुअल वो आपके अपने ब्रांड को आपके इमोशन के साथ अटैच करते हैं। समझ में आ रहा है? इससे हम इमोशनल हो जाते हैं और सैमसंग के साथ हम अटैच हो जाते हैं, हमें लगता है यार सैमसंग है मतलब हमारी सुरक्षा है, LIC जहां सुरक्षा है वहां। हर एक प्रोडक्ट जो आज के डेट में मार्केट में बिकता है माय डियर फ्रेंड, वो इसलिए बिकता है क्योंकि उसके साथ आपके इमोशन जुड़े होते हैं। आया ना? किसी को अगर LIC का प्रचार करना हो तो वो दिखा देगा, हस्बैंड वाइफ थे, उसके दो बच्चे थे, अब हस्बैंड की डेथ हो गई तो जो वाइफ थी बहुत परेशान हुई, एकाएक LIC वाला आया,
जी आपके हस्बैंड ने 25 लाख रुपए का LIC कराया था लीजिए, वो रोते हुए उसको स्वीकार कर लेती है। जब LIC का हो साथ तो क्या करेगा अत्याचार, कुछ ना कुछ इमोशन अटैच किया जाता है हर एक जगह, हर एक प्रोडक्ट के पीछे। हाँ या ना? जुबा केसरी, बारातों का स्वागत करना है पान मसाले के साथ करें, नहीं तो बाकी बारात तो बेकार हैं जो बिना पान मसाले के चलते हैं। देखा है आपने? तो धंधे में, सेल्स के अंदर अगर आपको रियल में रिजल्ट को कन्वर्ट करना है तो ये फार्मूला समझना पड़ेगा। आपको लास्ट टाइम में उसके इमोशन के साथ अटैच करना ही पड़ता है, क्योंकि जहाँ इमोशन जुड़ जाता है ना, फिर वहाँ सब बातें छोटी पड़ जाती है, रिजल्ट तुरंत आ जाता है। इसलिए लास्ट में आपको इमोशनल टच उस जवाब में देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बात समझ में आ रही है? और तब लास्ट में फिर मोटिवेशन के साथ आपको फाइनल पंच करना होता है और क्लोजिंग करना होता है। यही फार्मूला होता है ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन का। इस फार्मूले के साथ कोई भी इंसान जवाब देना सीख गया, मैं गारंटी बता रहा हूँ, जिसको जवाब दोगे वो 100% रिजल्ट ला के दे देगा। कई लोग जवाब तो देते हैं लेकिन ये सीक्वेंस ऐसा नहीं होता। अगर आपने पहले इमोशनल जवाब दे दिया, फिर कैलकुलेशन दे रहे हैं, बाद में लॉजिक दे रहे हैं, फिर उसका प्रश्न उस पर घुमा रहे हैं, ये सीक्वेंस भी अगर गड़बड़ हो गया तब भी अच्छे रिजल्ट नहीं आते। तो सीक्वेंस का भी हमें ध्यान रखना है, परफॉर्मेंस का भी ध्यान रखना है, और लास्ट की क्लोजिंग का भी हमें ध्यान रखना है, तभी आपके रिजल्ट 100% कन्वर्ट हो सकते हैं। कर सकते हैं? Yes. कर सकते हैं? Yes. ये माइंड में रख के आप जो सवाल है ना, उनको जब आप पढ़ोगे तो आप बहुत आसानी से जवाब दे सकते हैं।